सत्संग भी समाज सीमित है, सतमंड का समय बाकी है। आप सर्वत गुरु के संतानों दिल्ली अपने विच आप दी एक विलखणता है। दिल्ली गुरु संगत जी भाई साहब राजेंद्र सिंह जी जो स्टेज की सकत्रतारों आसरा 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 वाहे गुरु तेरी शरण मेरे दीन दयाला सर्व कला समरत 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 डोलन ते राखो प्रभु जी डोलन संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मैं आ करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर हर जन बोलत श्री राम नामा 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 हर जन बोलत श्री राम
संगत हर तो हर जन बोलत श्री राम नामा, हर जन बोलत श्री राम नामा, मिल साध संगत हर तो श्री राम नामा, हर जन बोलत श्री राम। साई अलख अपार भोरी मन बसे, दुख दर्द रोग माय मेटा मन दान जापने। हो वंजा कुर्बान साई अपने, हो वंजा कुर्बान साई अपने। बिंद के गाल सुनी सच्चे तिस तनी, बिंद के गाल सुनी सच्चे तिस तनी, सुखी हूँ सुख पाए मैना गणी, सुखी हूँ सुख मैना की गणी, सुखी हूँ सुख सुख मैना की गणी। हो वंजा कुर्बान साई अपने, मन तान जापने हो अनद करा, मन तान जापने हो वंजा कुर्बान साई अपने, हो वंजा कुर्बान।
मत मेरा ओलारा हाँ वारी बन जा कोली बन जा तू पर्वत मेरा ओलारा हाँ बल जाई हाँ बल जाई लख 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 बरिया जिन पर्व पर्दा खोला जिन परम गढ़ तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर सिउ जोड़िया पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हर कृष्ण तिहाइए जिस डिठे सब दुख जाए उस मालिक दे गुरु नानक देव जी की अठवीं जोत साहिब गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज जी दे प्रकाश पुरब के आगमन के अंदर अज दे ये विशेष कीर्तन दरबार सजाए गए ने। ये संगत का वड्डा हड़ जिवें मेरे तो पहला बहुत सुंदर साखी साढ़े सत्कारयोग मैंबर साहब सुना रहे सी ये अजे भी सच्चाई आ ये अटल सच्चाई आ। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी ने इस महान स्थान जिथे आपां
अज उस मालिक के दर्शन कर रहे हैं। ये उस मालिक का चरण छो स्थान आ जिथे उन्होंने अपने शरीर से इतने वग रही उस वेले की बीमारी अपने ते ले के ते इतों के लोगों नू निरोग किया। अज भी हजारां लोग रोज़ इतों इस शरदा नाल भाव नाल गुरु चरणा च नतमस्तक होंदे ने और किन्ने ही हजारां लोग निरोग हो के इतों जांदे ने। इन्होंने तो एक साखी सुनाई सानू रोज़ अनेकां कभी कोई फोन दे राही कभी कोई मिल के ऐसी ऐसिया गुरु चरणा दियाँ जो लोगों दियाँ भावनावां लेके आए सी और जिस तरह उन्हां दे परिवार दे लोग उन्हां दे संगी इतों निरोग होके गए। मैं देश दे एक बहुत वड्डे मैं नाम नहीं लेना अज भी वो देश की वजारत च ने देश दे कैबिनेट मंत्री आ और मैनू अज तो चार पाँच साल पहला तीन चार साल पहला की गल फोन करके कहिंदे ने कि मुझे पता चला यहाँ पर गुरु हरकिशन जी का जो बंगला साहब गुरुद्वारा है उसमें जो जल है मेरे को किसी ने बताया उनके दोस्त थे उनको वहाँ से निरोग हुए। सिरसा जी मेरे फलाना रिश्तेदार बहुत वह परिवार उसके ऐसे ऐसे बात प्रॉब्लम है हम कब आ सकते हैं। मैं क्या ये तो गुरु का दारिया जेड़ा कोई समा नहीं कोई थित नहीं कोई वार नहीं जदों जिदा जी आवे पर गुरु के चरणा च शरदा नाल आवे विश्वास नाल आवे। मैनू कोई महीने डेढ़ महीने बाद वो मैनू व्यक्तिगत तौर पर फोन करके मैनू कहिंदे कि मैं अगर ये बात किसी को कहूँगा तो लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी और ऐसी बातें करता है क्या साइंस भी फेल है। कहिंदा सिरसा जी मैंने प्रतख देख लिया साइंस भी फेल है साइंस भी फेल है। मैं उदा नाम अगली गल ता नहीं दसदा कि जे मैं उदी डेजिग्नेशन दसती तुहानू नाम भी समझ आ जाना। अज भी वो साडे देश दा बहुत वड्डा वजीर आ और उसका अपने परिवार का एक्सपीरियंस आ वो इत्थों आके निरोग होके गया है। एक नहीं अनेकां ने जिहड़े बाद च सानू आके मिलदे ने कि असीं भावना रूप की सेवा करिए कुछ करिए। अज भी लोगों की इस स्थान पर आके जिते हर मुराद पूरी होंदी आ उत्थे ही हजारां लोग निरोग होके जांदे ने। खालसा जी ये गुरु साहिबाना की वडियाई आ उस मालिक की रहमत और बख्शिश अपने ते। देखो जदों आपां इस वातावरण च बैठे हाँ दुनिया के अंदर सारे ही धर्मां दा असीं सत्कार करदे हाँ और अत सत्कार दे नाल असीं सारे धर्मां नूं नमस्कार करदे हाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उसकी उपमा और उसकी वडियाई वक्री आ। दुनिया के अंदर अज इस मालिक की वडियाई उस धर्मां दे लोग भी कर रहे ने जिहड़े सिख नहीं गे। अज पूरी दुनिया के अंदर गुरु नानक देव पातशाह जी दे 550 साल प्रकाश पुरब नूं लैके तुसीं देखो कितनी इस मालिक की वडियाई आ। कितें नेपाल अपने सिक्के कढ़दा पिया है कितें अमेरिका के अंदर इहदी सैलीब्रेशन दीआं तैयारियां हो रही ने कैनेडा के अंदर इहदीआं सैलीब्रेशन की तैयारियां हो रही ने। दुनिया भर के लोग मैं कल एक तुसीं बड़ा हैरान हो गए मैं कल पढ़ रहा सीगा यूनाइटेड नेशनस के अंदर वो एक प्रस्ताव रखण जा रहे ने कि यूनाइटेड नेशनस गुरु नानक देव पातशाह जी दे इस प्रकाश पुरब को अपनी असैम्बली के अंदर पास करके तो यूएन इस प्रकाश पुरब को मनाना करे क्योंकि गुरु साहब ने मानवता की गल की आ मानवता का संदेश दिता है। खालसा जी इस तो वड्डी गल की हो सकती आ जिहड़ी इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर जिहड़ी मे प्राइम मिनिस्टर हुण थोड़े दिन पहला गए आ एक ब्रिक्स की मीटिंग होंदी आ मीटिंग तो बाहर आके वो प्राइम मिनिस्टर मीडिया नूं एड्रैस कर रही आ और जो उन्होंने अल्फाज कहे कि अज दुनिया नूं सिख बनन दी लोड़ आ। इंग्लैंड दी प्राइम मिनिस्टर कह रही आ जिस मुल्क ने साडे ते राज कीता जिहदे असीं गुलाम रहे अज वो कह रहे ने कि दे दुनिया नूं सिख बनन दी लोड़ आ। ये रहमत और ये बख्शिश उस मालिक दी ये वडियाई आ। गुरु नानक जिथे आप अज
साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के प्रकाश पुरब के आगमन की खुशी अंदर ये विशेष नगर कीर्तन सजाए ने। कल बहुत ही विशेष प्रोग्राम पूरे ही सारे ही गुरद्वारा साहिबाना च रहेंगे। मैं संगत जी एक बेनती होर करना चाहना है, भाई रविंदर सिंह जी साजा ते बैठ चुके ने, इन्हों का मैं समा नहीं लेना, पर 550 साल प्रकाश पुरब में रह के दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अनेक प्रोग्राम कर रही है, आप दे सहयोग दे नाल कुछ ऐसे प्रोग्राम करन दी असी कोशिश कर रहे हैं जिदे नाल असी गुरु घर तो बाहर जाके गैर सिखा नूं वी संदेश जाकर दे सकीए उस मालिक की उपमा और वडियाई करनी क्यों जरूरी आ, क्योंकि उन्होंने मानवता की गल की आ, किसी एक धर्म की नहीं, सब धर्मां का सत्कार करके उस मालिक की आराधना करनी सानू सिखाई आ। 550 साल लैके एक विशेष प्रोग्राम जिहड़ा कि आप जी नूं मैं जानकारी दिंदिया बड़ी प्रसन्नता महसूस करदा है कि इस महान स्थान तो 13 अक्टूबर नूं सवेरे 9 बजे एक महान नगर कीर्तन जिस दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप सुशोभित हो के अपनी फुलां वाली सज्जी पालकी च संगतां नूं दर्शन दिंदे होए नगर कीर्तन दे रूप अंदर इत्थों उस महान धरती ते पहुँचणगे जिस धरती दे दर्शनां नूं संगत लोचदी आ, जिस दी मिट्टी दी खुशबू नूं संगत लोचदी आ, जिस दे दर्शनां नूं हर इंसान दे नैण तरसदे ने, उस महान धरती गुरद्वारा ननकाणा साहब विखे गुरु साहब आप अपनी पालकी सुशोभित हो के पहुँचणगे। ये 17 तरीक नूं गुरद्वारा ननकाणा साहब पहुँचणगे, 13 तरीक नूं इत्थों रवाना होणगे, 14 तरीक नूं करनाल अंदर, 15 तरीक नूं गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब च, 16 तरीक नूं गुरद्वारा सुल्तानपुर लोधी च, 17 तरीक नूं श्री दरबार साहब च, और 18 तरीक नूं 17 तरीक रात नूं गुरद्वारा ननकाणा साहब विखे ये महान यात्रा पहुँचूगी। खालसा जी, इस यात्रा के अंदर एक होर नाल सवारी जिहड़ी गुरद्वारा साहब वास्ते करतारपुर साहिब वास्ते एक सोने की पालकी बनाई जा रही है। आप संगतां दा ये विचार सी, सुझाव आया कि दिल्ली दे सारे ही महान स्थानां दे उत्ते अज गुरु साहब की यह सोने की पालकी सुशोभित आ। हुण हर रोज़ 5000 लोगों ने उस करतारपुर साहब के दर्शनों वास्ते जाया करना है, जिसनों आप कई सालों तो अरदास रूप से गुरु चरणों बेनती जोदड़ी अरदास करते रहे हैं। इस करके उस महान स्थान वास्ते एक सोने की पालकी बनाई जा रही है। मैं आप संगतों के चरणों से बेनती करना है कि आप भी उस दे अंदर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान पाओ। ये महान कार्य जिहड़े ने, मैनू बड़ी इस गल की प्रसन्नता और तसली आ कि जिहड़ी अज संगत ने सानू ये सुझाव दिता, असी सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी इत्थे सुशोभित ने, वह भी बैठे ने सेवा महाराज के ताबिया ते, उन्हां नू सुझाव लैके ते असी तुरंत तो इहदा काम शुरू किया। और मैनू इस गल दी दसण लग्या वी तुहानू बड़ी प्रसन्नता हुंदी आ कि एक ही परिवार एक बजुर्ग ने आके मैनू ज्ञानी रणजीत सिंह जी उन्हां नाल मेरे संपर्क कराया और मैनू फोन करके कहिंदे ने कि मैं कल दा तुहाडे नाल गल करन दी कर रहा सी, मेरी तुहाडे नाल गल नहीं हो पाई, मैं अपने परिवार के सारे जेवरात लैके आया, मैं अपने परिवार के सारे जेवरात लैके आया है, तो सिरसा साहब मैं बंगला साहब च खड़ा और जिहड़ी उह पालकी बननी उहदे वास्ते मैं सोना लैके आया। सिंह साहब ने बुला के उसकी तुलाई कराई, उन्होंने जो रसीद देनी सी 1.25 किलो सोना इको परिवार अपने घर के सारे जेवरात दे के गया। ये भावना है, उस गुरु के प्रति समर्पण आ। माया बहुत अथाह लोगों को, पर समर्पण और उस गुरु मालिक ने किस किस तो सेवा लेनी आ ये वो मालिक ही जानता है। मैं आप संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। कल भी सारिया ने जिहड़े अज घरां च ने, मैं उन्हां दे चरणां च भी बेनती करदा है, विशेष तौर पर साडी नौजवान पीढ़ी नूं जरूर लैके आया करो, उन्हां नूं गुरु चरणां नाल जोड़ना करो। आपां दुनिया के अंदर जदों 550 साल मना रहे हाँ, साडे घरां दे अंदर वह रूहानीयत होनी चाहिए आ, साडे बच्चों के अंदर वो जज्बा होना चाहिए है, साडे परिवारों के मन च भाव होना चाहिए है कि गुरु नानक देव जी की वडियाई के अंदर मेरा भी कोई योगदान आ। ऐसा भाव आप अपने बच्चों लैके आईए। मैं समा ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि बड़ी ही मान शख्सियत इस वेले आप जी नूं कीर्तन सरवण कराउण नूं बैठी आ। मैं आप संगतां दा फिर तो धन्नवाद करदा है, बहुत बहुत धन्नवाद। परम पिता परमेश्वर आप सब दी झोलियां च अनेक खुशियां पावे, जिहड़ियां शुभ मनोकामनावां आप लैके आए जे परम पिता परमेश्वर सब दियां पूर्ण करे। सानू ते तुहानू इसे तरह कौम दी गुरु चरणा दे गुरु साहब दे महान गुरचरणा कमलां दी ये सेवा
करन दा बल उद्दते चाओ बख्शे आपां इसे तरह इस जज्बे नाल सेवा कर सकीए। मालिक साढ़े ते दया कृपा करे। आप सबना दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हां ने 550 साल प्रकाश दिहाड़ा गुरु नानक साहब जी दा आ रहा उस दे संबंध में कुछ तुहानू बेनतियां दसियां, कुछ अपीलां कीतियां। बहुत प्रोग्राम ने, बहुत प्रोग्राम, बड़िया संगत लगियां, ऐसे ऐसे साढ़े को जिथे आए ने साहिब साहिब श्री गुरु हरकिशन साहिब महाराज जी के प्रकाश पुरब के आगमन की खुशियां के अंदर गुरुद्वारा बंगला साहब के इस सरोवर के कंडे से एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम किया जा रहा है। कीर्तन दरबार, ये गुरु साहब का पावन स्थान आ जिथे गुरु हरकिशन साहिब महाराज जी आप आके दिल्ली चरण छोह स्थान जिथे आप आके रहे, इतने आके उन्होंने हजारा लोगों निरोग किया। हजारा लोग अपनी बीमारी तो ठीक होके स्थान तो गए और अज भी नित हजारा लोग इस भावना नाल इतने पहुँचते हैं और उन्होंने सारिया मन्नतां पूरियां होंदियां ने। बीमारियों तो ग्रस्त लोग आते हैं और निरोग होकर इतों जाते हैं। ये महान स्थान आ, इस स्थान की उपमा पूरी दुनिया च होंगी आ। सो कल गुरु साहब का प्रकाश पुरब, उस पर आके ये विशेष इतने प्रोग्राम किए गए हैं। मैं सारी ही संगत को, सारी कायनात को गुरु हरकिशन साहिब पातशाह जी ने इस प्रकाश पुरब की लख लख करोड़ करोड़ बधाई देना। शाही बाला प्रीतम, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा कल है। इस उपलक्ष्य में अज गुरुद्वारा बंगला साहब विखे बहुत ही अच्छा रूहानी कीर्तन हो रहा है। गुरु साहब का गुरपुरब मनाया जा रहा है। कल भी लक्की शाह वंजारा हाल विखे इस तरीके मनाया जाएगा। मैं सारिया संगतान गुरु हरकृष्ण साहब जी के प्रकाश से बहुत बहुत बधाई दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज अष्टमल बीर अठवें गुरु नानक साहब श्री हरकृष्ण साहब महाराज का प्रकाश पुरब, उन्होंने चरण छो प्राप्त जगह गुरुद्वारा बंगला साहब विखे, गुरुद्वारा सिंह साहब विखे, नानक प्यो बाला साहब, हर गुरुद्वारे दिल्ली के हर गुरुद्वारे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़े व्डे पर साहब श्री हरकृष्ण साहब महाराज का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। बंगले में कई होने, बंगले लखा लगभग को बंगले होने। अगर बंगला साहब ना मिले तो गुरु हरकृष्ण साहब के चरण पैन करके अज गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अज भी स्थान उत्ते उत्थे वरते हैं, उमें अपन शीसा वरतने ने। अज भी इतने बह के दिख दून के दूर दूर करते हैं। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अज ही वरते पे हैं। ता ही देखो जिते अज सिख आ रहा है, सिख के अलावा होर धर्मों के लोग भी एन जाते हैं, आस्था नाल आते हैं और इतने आकर नतमस्तक होकर इशान करके अपने दुख दूर करके जाते हैं। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की असीसा प्राप्त करने वास्ते असं सारे अज उन्होंने गुरपुरब मना सारे आए हैं। मैं समूह कनात को, सुरु नाम गुरु नानक नाम लेवा साहब श्री हरकृष्ण साहब महाराज के प्रकाश में लख लख बधाई देना और यही बेनती करने कि गुरु वाल जुड़िए, गुरु को मनीए, गुरु अपने हिरदे वसाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।